लोग और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हियर फॉर सून में। आज मुझे पूरे की पूरे 4 महीने कंप्लीट हो गया है मिनोक्सिडाइल का टॉपिकल सॉल्यूशन दोबारा लगाते हुए। मोर एफ 10% मैं लगा रहा हूँ अभी, बिकॉज टेम्पल एरिया बहुत ही रिसीड किया था, हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट ने 5% से अपग्रेड करके 10% सॉल्यूशन मिनोक्सिडाइल का मुझे प्रिस्क्राइब किया था। अभी मैं लगा ही रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैंने अराउंड 3.5 महीने का स्टेटस पूरा रिव्यू आप लोगों के साथ रखा ही है, आप लोगों ने ज़रूर अभी तक देखा ही है। और मिनोक्सिडाइल मोर एफ 10% के साथ मैं जो हेयर ऑयल यूज़ करता हूँ थ्राइस अ वीक, ये है वाओ ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, नो डाउट इन इट, बिकॉज इट कंटेन्स ऑनियन का सीड्स, ऑनियन सीड्स, तो ये बहुत ही हमारे बालों को सिल्की शाइनियर ग्लॉसियर बना देता है, जिसके कारण बाल बहुत ही शाइनी दिखने लग जाते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। अलॉन्ग विथ इट बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास, ये इसके साथ शैम्पू कौन से लगाता हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत सारे रेज हुए थे, तो आप लोगों के साथ बता रहा हूँ कि मैं हिमालय का बेबी शैम्पू ही यूज़ करता हूँ। जेंटल बेबी शैम्पू है, बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, इसको भी मैं थ्राइस अ वीक ही लगाता हूँ। और जिस दिन ऑयलिंग करता हूँ, मसाजिंग करता हूँ, उसके 3 to 4 आवर्स के बाद मैं शैम्पू करता हूँ, और ये बेस्ट शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू है, और इट हेल्प्स इन क्योरिंग द डैंड्रफ एज वेल। तो ये तो बहुत ही, जब भी हम लोग मिनोक्सिडाइल अप्लाई करते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस कभी कभी स्टेज आता है जब सेवोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, डैंड्रफ एक लेयर बन जाती है और वो निकलती है। उसमें सच मायने मायने में बताया जाए तो भाई लोग, ये जेंटल बेबी शैम्पू हिमालय का बहुत ही कामगार है, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर क्योरिंग डेंड्रफ प्लस मेकिंग द हेयर मोर ग्लॉसियर, है ना। आज पूरे के पूरे मुझे 4 महीने कंप्लीट हो गया है, कितना डेवलपमेंट है मैं आप लोगों को से क्लियर ही बोलना चाहता हूँ कि नो डाउट इन इट, अराउंड 3 से 4 महीने के बीच ही मिनोक्सिडाइल का बाल रुकने की, जो मिनोक्सिडाइल में कैपेबिलिटी होती है वो बाल रुकने का पूरा वर्क करता है, बाल रुकना तो पूरा बंद कर ही देता है, झड़ना, इससे बाल झड़ना तो पूरा कंप्लीटली कहाँ गया, गायब हुआ, अभी मेरे को समझ पे नहीं आ रहा। कभी टाइम था जब मैं कॉम्ब करता था ऐसे भी या ऐसे भी या ऐसे भी या ऐसे भी, तो बहुत सारे बाल ऐसे झड़ जाते थे, ऐसे ऐसे झड़ जाते थे, जो आजकल बिल्कुल गायब हो चुका है। और नो डाउट इन इट, ये तो आई नीड टू एक्सेप्ट इट कि मिनोक्सिडाइल 3 से 4 महीने में कंप्लीटली बालों का झड़ना जो है अराउंड कम कर देता है, या मैक्स टू मैक्स देख लीजिए आप भी, मैक्स टू मैक्स अराउंड पर डे 8 से 10 बाल ही गिरते होंगे। प्लस बालों का डायमेंशन वाइज मैं बोलूं भाई लोग, ये देखो कहाँ के मेरे बाल थे जब मिनोक्सिडाइल यूज कर रहा था उसके पहले के, और इनका डायमेंशन अभी के बारे में देखे जाए तो पूरा चेंज हो गया है, डायमेंशन बहुत ही इंक्रीज हो गया है, और काफ़ी बालों को मैं आजकल फील करने लग गया हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता था। अभी किसी के पास भी डाउट है कि मैं पहले, मेरे बाल पहले भी ऐसे ही थे या अभी भी ऐसे ही हैं, तो ये वीडियो मेरा पिक्स क्लियर आप लोगों के डाउट्स कर देगा। ये पिक्स देखें और वापस आएं, बहुत सारे डिस्कशन करना है। ये पिक्स अराउंड 2.5 से 3 साल पहले की पिक्स हैं, पूरी क्लियर दिख रहा है कि टेम्पोरल एरिया प्लस मिड स्कैल्प एरिया कितना डैमेज हो चुका है।
ये अराउंड एक साल पहले की पिक्स है, जब मैंने मिनोक्सिडाइल लगाना छोड़ दिया था तो कितना हेयर फॉल हो गया था और क्या स्टेटस था आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ये पिक्स तब की है जब मैंने मिनोक्सिडाइल लगाना शुरू कर दिया था, वापस एक महीना हो गया था। एक महीने के बाद की कंडीशन, शेडिंग फेज रहता है, बाल जो थे कमज़ोर थे वो गिर गए थे। ये 2 महीने बाद की पिक्स है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लग गया था। 2.5 महीने बाद की पिक्स है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये 3 महीने बाद की पिक्स है, इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा हुआ है, आप लोगों को भी दिख रहा है ये पिक्स के द्वारा। और ये 3.5 महीने बाद की पिक्स है, बहुत सही दिख रहा है रिजल्ट। और ये करंट पिक्स है 4 महीने बाद की, जिसमें पूरा डायमेंशन वाइज कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो क्लियर विजिबल है। ये करंट पिक्स है मेरी, ये अभी की पिक्स है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाइज दिख रहा है। ये वाला पिक्स देखा आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा कितना डेवलपमेंट मुझको हुआ है, काफ़ी इन कंपेरिजन टू प्रीवियस। फर्स्ट डे का आपने देखा होगा और आज का पूरा डेवलपमेंट दिख चुका है आप लोगों को वो पिक्स के द्वारा। प्लस ये मेरे स्कैल्प देखो, फ्रंटल हेरियंट हेयर लाइन जो है पूरी वो टाइम में पूरी रिसीड हो गई थी, ये देखिए। एक्चुअली नो डाउट इन इट, मिनोक्सिडाइल जो होता है, मिनोक्सिडाइल का वर्क मेनली क्राउन एरिया प्लस प्लस मिड स्कैल्प एरिया में ही इसका यूज़ सबसे अच्छा होता है। टेम्पल एरिया प्लस हेयर लाइन या हेयर जोन में इसका काम बहुत ही कम होता है। इसका इम्पोर्टेंस अपना महत्व ये एरिया में ये कम दे पाता है, मगर थैंक्स टू गॉड मुझे एटलीस्ट हेयर फॉल कंट्रोल में तो कर गया है, प्लस बालों का डायमेंशन बहुत ही हद तक बढ़ा दिया है। नो डाउट इन इट भाई लोग, मिनोक्सिडाइल का हेयर रिग्रोथ का वाइज अगर डेवलपमेंट देखे जाए तो, बिकॉज मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ था, बीच पे छोड़ दिया, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, फिर से लगाया। इसी एक्सपीरियंस के बिहाफ में मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड मिनोक्सिडाइल का हेयर रिग्रोथ वाइज जो रिजल्ट है वो अराउंड 6 7 7 महीने के बाद से दिखना क्लियर शुरू हो जाता है। 6 7 से 2 साल के बीच मिनोक्सिडाइल अपना असर इतना अच्छे से करता है कि टू सम एक्सटेंट हम ही लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई लोग क्या किया है अपन ने, डायरेक्टली ट्रांसप्लांट नहीं किया है। ऐसा क्वेश्चंस अपने मन में भी रेश शॉली होता है। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिडाइल मोरफ 10%, अभी मिनोक्सिडाइल मोरफ 10% ही लगाया है। इसके साथ वाव ऑनियन, ब्लैक सीड हेयर ऑयल, फॉलीहेड टैबलेट वंस अ डे अभी भी मैं ले ही रहा हूँ, बहुत अच्छी टैबलेट है, मल्टीविटामिन। प्लस हिमालय का ये बेबी शैम्पू से मैं अपने बालों को जेंटली वॉश आउट करता हूँ, वॉश करता हूँ, शैम्पू करता हूँ। इससे पहले मैंने मिनोक्सिडाइल के बहुत सारे मोरफ से पहले भी ब्रांड्स यूज़ किया हुआ है। हेयर फॉर यू 5% किया, मिनटॉप 5% किया, टू गेन 5% किया, मगर अगर मैं बोलूँ रिजल्ट वाइज तो सब के कंपैरिजन में मोर एफ 5% हैज़ गिवन मी बहुत ही अच्छा रिजल्ट। अभी 4 महीने में मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर कर सकता था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। प्लस देखिए भाई लोग, मैं ये टेम्पोरल एरिया में क्लियर आप लोगों के साथ शो नहीं करूंगा तो ये रिजल्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये देखिए भाई लोग, ये है मेरा टेम्पोरल रिजल्ट टू सम एक्सटेंट। ये देखो जो मिनिएचराइज्ड बाल थे वो, उनका कितना अच्छे से वो बड़े हुए हैं वो देखिए। प्लस ये साइड का भी देख लीजिए भाई लोग, ये एरिया में डेवलपमेंट कम है,
मगर हो रहा है, नो डाउट इन इट, हो रहा है। तो ये मैं आप लोगों के साथ क्लियर शेयर करता ही हूँ। इतना रिजल्ट मुझे मिल पाया है 4 महीने में मिनोक्सिडाइल मोरेफ 10% से। काफ़ी डेवलपमेंट है इन कंपेयर टू जो मैं स्टार्ट किया था। एटलीस्ट मैं बाल फील कर रहा हूँ। अराउंड मुझे बालों की समस्या से जूझ जूझते हुए अप्रोक्स 10 ईयर्स हो गया है। मैं 32 ईयर्स का हूँ अभी, 32 साल का। अराउंड 22 साल से, 22-23 साल से मुझे बालों की गिरने की समस्या थी। ये मुझे जेनेटिक्स ही मिला है, इसके द्वारा ही मुझे मिला है। 1 साल मैंने पूरे अच्छे से 10 डेज हेयर ऑयल लगाया। उसके बाद अराउंड 1 साल मैंने कैस्टर ऑयल लगाया, कोई डेवलपमेंट नहीं मिला। वाओ बायोटिन कैप्सूल्स लिया, आप लोगों के साथ शेयर किया, रिजल्ट नहीं मिला। फिर बाद में फिर से मैंने मिनोक्सिडाइल का हेयर फॉर यू 5% लगाया, मिंटो 5% लगाया, आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर किया, मिला। बट बिकॉज़ वो टाइम में मेरे पास कुछ समय बाद से मेरे पास पैसे की थोड़ी शॉर्टेज हुई, तो ये मिनोक्सिडाइल प्लस फॉली हेयर का कॉस्ट इट्सेल्फ इज़ अराउंड 1200 रुपये, 1100-1200 रुपये पर मंथ का आता है। तो वो मैं नहीं अफोर्ड कर पाया वो टाइम, तो मैंने लगाना बंद किया। बाल झड़े, फिर भगवान की कृपा हुई, थोड़े पैसे आने लगे, तो मैं फिर से अपने बालों का केयर करना शुरू कर दिया है। अराउंड 4 महीना हो गया है बालों का केयर करते हुए, पूरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और भाई लोग, जो भी मन में अगर डाउट रहता है कि बाल झड़ रहे हैं, तो डायरेक्टली जैसे हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही बालों की समस्या है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ ना भाई। और वो भी श्योरली, नो डाउट इन इट, मिनोक्सिडाइल, मल्टी विटामिन, या फिर अपना फिनेस्ट्राइड टैबलेट ही 4-5 महीनों के लिए तो देंगे ही श्योरली। उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता तो पीआरपी सेशन के लिए जाते हैं। पीआरपी सेशन में भी रिजल्ट नहीं आता है तो लास्ट स्टेज हिज हेयर ट्रांसप्लांट इटसेल्फ। तो अभी तो मेरा एटलीस्ट मिनोक्सिडाइल इटसेल्फ है, बालों के डायमेंशन बढ़ा, तो एटलीस्ट स्कैल्प विजिबल नहीं हो रहा है। पहले स्कैल्प बहुत क्लियर था, तो वो नहीं विजिबल हो रहा है। तो एटलीस्ट मैं अभी ट्रांसप्लांट को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकता हूँ, जो मैं मिनोक्सिडाइल के वजह से कर पा रहा है ना भाई लोग। ये मेरे पास अभी आप लोगों के साथ मेरा 4 महीने का स्टेटस ये है। आप लोगों को ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो। चलें, बाय बाय।